दोस्तों ये वीडियो आपको एग्जेम्पशन दिलवा सकती है एफआर में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बिकॉज आज मैं आपको एक 16 मार्क्स की गारंटेड आपको बताने वाला हूँ जो कि आने वाला है एग्जाम में। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ आने वाला है, बिकॉज एक पास स्टूडेंट है जो कि वहाँ से आता ही आता है। वो क्या चीज़ है, वो चैप्टर है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसका TYK और इलस्ट्रेशन में से एक क्वेश्चन आता है। 16 मार्क्स का या 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कन्फर्म है, श्योरिटी के साथ कन्फर्म है। तो जो स्टडी मटेरियल है उसके पीछे की TYK या फिर इलस्ट्रेशन आपको पढ़ के जाना है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, बट बिल्कुल सेम नहीं आएगा। उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और थोड़े से वर्डिंग्स, मतलब जो उसकी फिगर्स है वो चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से आता है, आपकी ग्रिप है, तो आपके डेफिनेटली उसमें 16 या 12 मार्क्स आपके आएगी। और बम्पर ऑफर सुनो, अगर आपने पहले की इलस्ट्रेशन कर लिए, उसके जो बुक्स में गिवन है, वहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 या फिर 12 मार्क्स का भी आ सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वेटेज कभी कभी 30 मार्क्स का भी आ रहा है, कभी 20 मार्क्स का आ रहा है। तो बहुत एक स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ईजी चैप्टर, अगर आप देखोगे बहुत मज़े से होता है ये चैप्टर, तो आप उसे कर लो। 16 मार्क्स तो आपकी TYK या इलस्ट्रेशन से आपके कन्फर्म है, और अगर आपने पीछे के इलस्ट्रेशन भी कर लिए अच्छे से, तो आपके 4 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स जितने का भी क्वेश्चन आ रहा है वो भी कन्फर्म है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।